बाबा महाकाल की नगरी में मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का वास है। यहाँ दूर दूर से प्रतिदिन हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाने आते हैं। छठ पूजा के पर्व पर यहाँ पर काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। 5 दिवसीय उपवास का छठ पूजा में विशेष महत्व रहता है, जो बिहार की महिला मुख्य रूप से करती है। सोमवार को 5 दिवसीय उपवास का महिलाओं का समापन हुआ। यहाँ पर सूर्य को अर्घ देकर उपवास खोला गया। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं सभी उज्जैन वासियों को बधाई देना चाहूँगी छठ पूजा की। और छठ मैया का बहुत ही महत्व है और ये हिंदू पर्व हिंदुओं का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये हमारे जितने भी व्रत है उन व्रतों में से सबसे कठिन व्रत माना जाता है। बिहार का ये महत्वपूर्ण और बहुत ही पौराणिक त्यौहार होता है। इसमें सबसे ज़्यादा सूर्य भगवान को डूबते सूर्य को पहले दिन अर्घ दी जाती है, फिर सेकेंड दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसमें घर परिवार के सुख शांति और सुहाग का पर्व माना जाता है। इसमें सुहाग बढ़ता रहे, परिवार भी सुख शांति और समृद्ध और धन धान्य से भरा रहे, इसी के कामना पूर्ति के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। और ये बहुत भी पूरे देश में मनाया जाता है। यहाँ पे जो आज है ना छठ का त्यौहार है, जो कि स्पेशली बिहारियों के लिए त्यौहार मनाया जाता है। चूँकि मैं भी एक बिहारी हूँ तो मेरी ट्रेन में मिस कर दी थी, मतलब मैं जो मेरी ट्रेन है मुझे टिकट नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ पूजा करने। और मेरी पूजा भी हो गई है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पूजा करके। क्या महत्व होता है पूजा का? जी छठ पूजा में जैसे कि है ना, जो ये जो है ये कार्तिक महीने में स्टार्ट होती है, और जो कार्तिक महीने का जो ये होता है छठा महीना होता है, उसमें छठे दिन पे वो पूजा होती है। मतलब ये एक तरह से मतलब माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, उनका ही एक स्वरूप है जिसमें हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। क्या उद्देश्य रहता है इसको करने का? छठ पूजा बेसिकली मतलब देखा जाए तो ये घर परिवार के लिए है, सुख समृद्धि के लिए है, यानी कि अपने पूरे परिवार की मनोकामना स्वास्थ्य के लिए हम लोग इसको मनाते हैं।